हमारे सेगमेंट डॉग टॉक में आज हम बात करना चाहेंगे इंक्रीज्ड जो आपका स्क्रीन टाइम है. आप किसी भी उम्र के हों, चाहे आप बुज़ुर्गों की तरफ देखें या फिर छोटे बच्चों की तरफ देखें, वाहिद हमारा जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड गेनिंग इन्फॉर्मेशन रह गया है वो थ्रू सम डिवाइस है. या तो हम अपने आईपैड को देख रहे होते हैं, अपने टेलीफोन्स को देख रहे होते हैं, या फिर हम टेलीविज़न स्क्रीन्स को देख रहे होते हैं. क्या इसका वाकई हमारी नज़र पर कोई असर पड़ता है? कल मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग रील नज़र आई जिसके अंदर हम मिथ बस्टिंग की बात करेंगे. कई ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हम सुनते हैं कि भाई फलानी चीज़ करने की वजह से ना आपकी नज़र कमज़ोर हो सकती है. तो आइए ज़रा उन मिथ्स को भी देखते हैं और उसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्या वाकई इंक्रीज स्क्रीन टाइम यानी इन स्क्रीन्स को, इन डिवाइसेस को ज़्यादा देर तक देखने की वजह से क्या आपकी नज़र पर असर पड़ सकता है, आई प्रेशर बढ़ सकता है या फिर नज़र कमज़ोर हो सकती है या नहीं. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असफर नफीज़ जो कि कंसल्टेंट ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं आदि हाशमानीज हॉस्पिटल. आइए इनसे जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहला मिथ मुझे ये बताइए कि क्या वाकई स्क्रीन्स को ज़्यादा देर देखने की वजह से हमारी नज़र कमज़ोर हो सकती है? ये मिथ नहीं है, इट्स अ रियलिटी. एक्चुअली जब बच्चे ख़ास तौर पे ग्रोइंग एज में होते हैं और अगर वो बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं तो क्या होता है कि उनको रिफ्लेक्स डेवलप हो जाता है कि जिसकी वजह से उनकी आई बॉल जो है वो ग्रो करना ज़्यादा शुरू कर देती है. आई बॉल की ग्रोथ बढ़ने से उनके नंबर्स इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली इन द ग्रोइंग एज. After the 18 years, the chances are very, very less. ठीक है डॉक्टर साहब, इसके अलावा और भी बहुत सारी मिथ्स हैं. मैंने कहा कि एक रैपिड फायर टाइप की सिचुएशन में आपसे पूछ लेंगे. मुझे ये बताइए कि बचपन में आई यूज़ टू लव रीडिंग बुक्स और उस वक्त मुझे ज़्यादा डांट ये पड़ रही होती थी कि आपने लेट कर या टेक लगा कर किताब को नहीं पढ़ना है, इससे आँख पर ज़ोर ज़्यादा पड़ता है और नज़र कमज़ोर हो सकती है. क्या ये रियलिटी है? बिकॉज आजकल तो मैं बच्चों को देखती हूँ किताबें तो कम ही पढ़ते हैं लेकिन आईपैड हर पोजिशन में ले कर, यानी कभी उसके ऊपर चढ़े हुए होंगे, कभी लेट के आईपैड पकड़ा हुआ होगा. तो जिस अंदाज में इस चीज़ को देखा जाए क्या, और जो उसका डिस्टेंस है उसके बीच में, इससे भी फ़र्क पड़ता है? यस मैंने बताया आपको बच्चों में तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है लेकिन बुक्स रीड करने से नंबर नहीं बढ़ते. हाँ, लेट के रीड करने से इसलिए मना करते थे कि कभी आप ऐसे लेटे हो, कभी आप ऐसे लेटे हो, तो एक आँख पे ज़्यादा बोझ दे रहे हो, एक पे कम दे रहे हो, तो हो सकता है कि डिफरेंस आ जाए दोनों आँखों. अदरवाइज अगर आप टेक लगा के पढ़ रही हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है. रीडिंग बुक्स नेचुरल लाइट में हो तो दैट्स नॉट प्रॉब्लम. आप तीन तीन घंटे भी पढ़ें कोई ऐसा इशू नहीं होता. अच्छा, नेक्स्ट मेरा सवाल इसी हवाले से था. मुझे ये बताइए कि जो किताब का फॉन्ट होता है या फिर जो ड्यूरेशन होती है पढ़ाई की, उससे भी फ़र्क पड़ता है? यस, अगर देखिए फॉन्ट छोटा होगा तो आपकी आँख को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, स्ट्रेन ज़्यादा होगा. फॉन्ट अगर कंफर्टेबल होगा, अच्छे साइज़ का होगा तो डेफिनेटली. और लाइटिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? आजकल मैंने देखा है लोगों को, उनके पास एक छोटी सी पेन लाइट होती है कि अगर दूसरे लोग परेशान हो रहे हों तो, और आपने कुछ पढ़ना है तो आप एक छोटी सी रोशनी के साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं. क्या तारीकी में किताब पढ़ने या कम रोशनी में किताब पढ़ने से आपकी आँख पर असर पड़ेगा? देखिए वो फिर वही फोकसिंग की बात आ जाती है, आपकी आँख को और ज़्यादा काम करना पड़ता है फोकस. अगर लाइट अच्छी होगी तो फिर वो इजीली फोकस कर सकेगी. ठीक है. अच्छा, मुख्तलिफ हमारे यहाँ माजून और सफूफ मिलते हैं ये कह के कि जी अगर नज़र का चश्मा है तो नज़र का चश्मा उतर जाएगा, जिसमें सौंफ, मिस्री, बादाम शामिल हैं. डॉक्टर साहब, ये खाने से क्या नज़र तेज़ होती है? देखिए माजून जो है ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव, लेकिन सौंफ, मिस्री, बादाम का लोग यूज़ करते हैं और उससे नज़र तेज़ होने का तो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि कोई रिसर्च नहीं है. ठीक है, लेकिन यस हो सकता है कि उससे आपको डेफिनेटली कोई हेल्प आउट होता हो. जो हमने रिसर्च नहीं की हुई है क्योंकि आपको पता है मोस्टली रिसर्च वेस्टर्न एरियाज में हो रही होती है. लेकिन हम जो अपने कल्चर में यूजली देखते हैं, बचपन में कहा जाता था बिकॉज आई गॉट ग्लासेस वेरी अर्ली कि जी गाजर खाया करो या सेब खाया करो, इससे जो है ना आँखें तेज़ होती हैं, तो ये इसमें कोई हकीकत है? नहीं, देखिए गाजर में बीटा कैरोटीन होता है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर रेटिना. रेटिना के लिए, पर्दे के लिए अच्छा होता है. आँखें तेज़ नहीं होती लेकिन पर्दे की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो दैट्स अ गुड थिंग. यानी कई चीज़ें हम इसलिए भी तो खाते हैं ना कि हमारी जिल्द अच्छी होती है, हमारा कोई निज़ाम हाजमा अच्छा होता है. तो इस तरह कि फूड, सुपर फूड्स मौजूद हैं जो आपकी आई हेल्थ की, आपकी विजुअल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होंगे. अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग हम बचपन से मिथ सुनते आए हैं कि सुबह सुबह अगर ओस वाली घास पे चला जाए तो उससे भी नज़र तेज़ होती है. डॉक्टर साहब, इसमें कितनी हकीकत है? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि आप नंगे पैर उस पे चलेंगी तो उससे आपकी इफेक्ट होगी. एक वो मेरे ख्याल में रिफ्रेशिंग फीलिंग होती है, आपको एक तराहट का एहसास होता है जिसको कहीं ना
कहीं जोड़ लिया गया, लेकिन ये भी मैंने कई लोगों को करते हुए देखा है कि जी सुबह सवेरे अगर घास पे चला जाए तो नज़र तेज हो, शायद विटामिन डी आपको अच्छा मिलेगा सुबह की रोशनी में। हाँ। विटामिन डी अच्छा बनता है, ठीक है। अच्छा, कुछ अभी जो लेटेस्ट हमारे पास प्रोसीजर्स मौजूद हैं उसके हवाले से भी सवाल करना चाहूँगी। एक मिथ ये भी है कि अगर लोग लेसिक करवाते हैं और यंग एज में करवाते हैं, फ़ायदा तो कुछ नहीं है जी, 40 साल की उम्र के बाद रीडिंग क्लासेस लग जाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कई लोग इस बात का सवाल करते हैं कि क्या नंबर वन लेसिक ट्रीटमेंट से आपका बिल्कुल जो पूरा नज़र का चश्मा है वो उतर सकता है, एंड सेकेंडली इस बात की क्या गारंटी है कि आफ्टर अ फ्यू ईयर्स आपकी नज़र मजीद कमज़ोर नहीं पड़ेगी और उस वक्त फिर आपके पास कोई और प्रोसीजर नहीं है कराने के लिए। देखिए, लेसिक इज़ अ वेरी वंडरफुल प्रोसीजर और लेसिक जो है उसका बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट है, 96%। 100 लोग कराते हैं तो 96% के नंबर नहीं आएंगे जी, दे डोंट हैव टू वेयर ग्लासेस, सिर्फ 4% के आ सकते हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड। लेसिक बेसिकली इसलिए इजाद हुआ था क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस के साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज वी हैव इंट्रोड्यूस लेसिक, तो उस लिहाज से तो लेसिक बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है, ठीक है। और जहाँ तक 40 साल के बाद नंबर आने की बात है, आप लेसिक कराएं या ना कराएं, 40 साल के बाद नंबर लगने ही लगना है। रीडिंग ग्लासेस, एग्जैक्टली, ओके ओके। अच्छा, एज लिमिट है कोई लेसिक कराने की? कई लोग ये समझते हैं कि जी अब मेरी उम्र अगर 50 साल के करीब पहुंच चुकी है तो मैं लेसिक नहीं करवा सकता। करा सकते हैं, आफ्टर 18 ईयर्स यू कैन गेट लेसिक, ना उस 18 साल से पहले मना होता है, ठीक है। 50 साल का पेशेंट है अगर उसके -6 नंबर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या और ज़्यादा नंबर है तो वो लेसिक करा सकता है, उसके दूर के तो उतर जाएंगे ना, बिल्कुल। पर हम लेटर एज में मना इसलिए करते हैं क्योंकि पेशेंट कैटरक डेवलप कर रहा होता है और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कॉम्प्लिकेशन okay. किसी के साथ भी हो सकती हैं एंड वेरी रेयर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लेसिक की कॉम्प्लिकेशंस आर अप टू 1-2-3%, इससे ज़्यादा नहीं है। सो ये वो बिल्कुल करा सकता है 50 साल के बाद, डिपेंड करता है कि उसके नंबर कितने हैं। अब अगर 3 ही नंबर है तो फिर वो फायदा नहीं है क्योंकि वो नेयर करने का लगाएगा ना चश्मे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जब हम लेसिक की बात कर रहे होते हैं, नंबर 1 डाउन टाइम कितना है, एहतियात क्या करनी चाहिए, और यू नो किन लोगों के लिए लेसिक नहीं हो सकता उनकी नज़र के ऊपर? देखिए, लेसिक जो प्रोसीजर है उससे पहले हमें लेसिक, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इट्स जस्ट लाइक क्रॉसिंग अ रोड। Okay. आपके ख्याल में दिन भर में कितने लोग रोड क्रॉस करते होंगे एक वक्त में? एक वक्त में काफी सारे, हजारों, ठीक है, हजारों लोग रोड क्रॉस करते होंगे, 2-4 के एक्सीडेंट भी होते होंगे जी। लेकिन क्या आप रोड क्रॉस करना छोड़ देंगे? नहीं, ओवरहेड ब्रिज का इस्तेमाल करें तो ज्यादा। सो रोड क्रॉस करने से पहले आप पे कुछ जिम्मेदारियां, ऐसे देखें, ऐसे देखें, ऐसे देखें, सब सही है, देन यू आर क्रॉसिंग। अब आपने लेसिक करने से भी पहले आपके सर्जन की जिम्मेदारियां आती है कि वो चेक करे कि आइदर आपकी आईज आर सूटेबल फॉर इट और नॉट, व्हिच वी कॉल द टोपोग्राफी, यानी पहले आप आंख की टोपोग्राफी करवाइए। टोपोग्राफी के अलावा भी कुछ सवालात करें, कोई पहले से बीमारी तो नहीं चल रही जिसके साइड इफेक्ट हो सकता है, पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, पेशेंट की हॉबीज क्या है, पेशेंट किन प्रोफेशंस में है, पेशेंट निकोटीन तो यूज़ नहीं कर रहा इन एनी फॉर्म, यानी ये सब चीज़ें आपकी वल्नरेबिलिटी, आपके केस को बिगड़ने के फैक्टर्स हो सकते हैं। तो यू एब्सोल्युटली राइट इसके लिए। और डाउन टाइम, जस्ट वन डे लेसिक, एक दिन में आप मतलब आप आज करेंगे कल से यू कैन स्टार्ट योर वर्क। ओके, एंड व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स के आपको उसका ख्याल रखना चाहिए बिफोर चूजिंग द राइट डॉक्टर टू परफॉर्म दिस प्रोसीजर? सबसे पहले एक्सपीरियंस, फिर आपकी मशीन कौन सी जनरेशन की है, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस आप यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में जाके लेसिक करा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं आपके इस डिसीजन और उनका सक्सेस रेट क्या रहा है। एग्जैक्टली, यानी सम अगर आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, जैसे आप किसी भी डॉक्टर का इंतखाब करते हैं कि इनका सक्सेस रेट क्या है, उनकी रेपुटेशन क्या है, ऑल दीज थिंग्स विल बी इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, लेकिन आई वॉन्टेड टू टच अपॉन इट बिफोर लीविंग। डॉक्टर साहब, जो अगर स्क्विंट्स होते हैं या अगर किसी की आँख में भेंगापन है, क्या उसके लिए लेटेस्ट कोई नए प्रोसीजर्स मौजूद हैं ताकि इसको ख़त्म किया जा सके? भेंगापन जो होता है वो एक्चुअली मिसअलाइनमेंट की वजह से होता है मसल्स की, तो इसमें बहुत इजीली हम सर्जरीज करते हैं। सर्जरी से क्या करते हैं कि मसल्स की अलाइनमेंट कर देते हैं, स्ट्रेट हो जाती है। ओके, और उस प्रोसीजर में या उस सर्जरी में भी मजीद जिद्दत आई है, जैसे हम कहते हैं डाउन टाइम कम हो गया है, मशीन्स अब बेटर, प्रोसीजर नॉन इन्वेसिव हो गया है? एक्चुअली ये जो प्रोसीजर है ना, ये मसल्स का ही है और ये जब से ईजाद हुआ है ना आज तक वैसे ही चल रहा है। ओके, क्योंकि मसल्स में देखें इन्वेजन तो वैसे ही हमने नहीं, इट्स टोटली नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर, ठीक है, और मसल्स की कटिंग और अलाइनमेंट तो हमने करनी है, जस्ट लाइक अ टायर की अलाइनमेंट जैसे आप करते हैं। अच्छा, लेकिन छोटे बच्चों में अक्सर कहा जाता है कि अगर भेंगापन हो तो आप उनको आइस की एक्सरसाइज करा के ये मसल स्ट्रॉन्ग या अलाइनमेंट की तरफ जा सकता है, इज दैट ट्रू? डिफरेंट टाइप्स,
टाइप्स होती है ना मुख्तलिफ, कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं उनमें हम क्या करते हैं, जैसे छोटे बच्चे में अगर स्क्विंट है तो सबसे पहले ग्लासेस लगाएं। अच्छा, ग्लासेस ना लगाने की वजह से आधे स्क्विंट्स होते हैं। वाओ, दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग, एंड मैंने ये इसके बारे में पढ़ा था, एंड थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अस अबाउट इट, कि देखें आपके मसल्स इर्द गिर्द के जो आंखों के गिर्द मसल्स हैं वो वीक हैं, और बच्चा उस पर मजीद स्ट्रेन डालेगा जब आप ग्लासेस लगाएंगे, तो ये स्ट्रेन कम होता है, मसल को स्ट्रेंथन होने की गुंजाइश होती है, प्लस एक्सरसाइजेज, एंड ऑफ कोर्स योर कंसल्ट विल बी एबल टू हेल्प यू आउट बेटर विद दैट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असफा फॉर बीइंग हियर विद अस, वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट टुडे, और आप इसको प्लीज़ शेयर करें उन लोगों से जो आप समझते हैं कि इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं।